आपको तो पता ही होगा कि मैं हाल ही में कस्टम मोड मेरा चेंज किया हूँ, और सेटिंग चेंज होने के बाद सबको पता है कि भाई कितना परेशानी होता है, कितना दिक्कत होता है। अगर आप एक हीरोइक प्लेयर हो, एक मतलब अच्छा प्ले करते हो, गेम प्ले करते हो, एक कस्टम मोड पे अगर हटा चेंज करोगे, मतलब डायरेक्ट चेंज कर लोगे एक दिन पे, तो अगर वो चेंज जो करोगे थोड़ा सा भी इधर उधर सा होगा, मतलब पिछले वाले से थोड़ा सा अलग होगा, तो भाई पता है कि कितना प्रॉब्लम होता है, और किसी के साथ भी खेल नहीं सकते क्योंकि कुछ खेलने का भी फायदा नहीं हो रहा है। ओके, तो समझ सकते हो कितना दिक्कत होता है। तो मैंने अपना चेंज कर दिया है, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि मेरा कस्टम मोड अभी कैसा है, और इसमें काफ़ी सारे मॉडिफिकेशन मैं करूँगा, और जैसे कि जैसे मैं मॉडिफिकेशन करूँगा आपको ही बताते जाऊँगा, और मैं कैसा पूरे के पूरे बॉट जैसा नूब जैसा प्ले करता हूँ आप खुद ही देखो यार, एक भी किल नहीं मिलेगा गेम पे तो क्या ही फ़र्क पड़ेगा, तो देखते हैं। और क्लास क्वार तो नहीं खेल सकते क्योंकि हर कोई आके पहल के चला जाएगा, तो मतलब ग्लूअर मार मार के पहल के चले जाएंगे सारे के सारे। तो मैं देखता हूँ क्या करते हैं आगे, और मैं इसलिए ये वाला वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मुझे पता चले कि यार मैं कैसे पहले कस्टमर था, और मैं जब चेंज किया स्विच किया तो मुझे कैसा परेशानी होता है, दिक्कत होता है। अगर मैं अगले 5-6 साल तक गेम खेलता रहूँगा, मतलब अगर मैं गेम खेलूँगा आगे और मैं गेम नहीं छोड़ने वाला, मतलब अगर मैं नहीं छोड़ा तो ये वाला बात मैं बोला, क्योंकि अगर मेरा पढ़ाई चल गया शुरू हो जाएगा तो मुझे गेम छोड़ना ही पड़ेगा। तो अगर मैं मतलब हफ्ते में एक दो बार भी खेला, तो अगर फ्यूचर में कभी खेला 5-6 साल बाद, तो मुझे पता चले कि यार मैं कैसा गेम प्ले खेल रहा था, कैसा कस्टमर मेरा था, तो क्या क्या गेम खेला था, तो ये सारे के सारे एक मेमोरी जैसे होते हैं, और इनको रिकॉर्ड करके रखना मेरा काम है। और वैसे भी YouTube बहुत मज़ा देता है यार, जब कंटेंट बनाऊँ तो कोई देखे या ना देखे, पर मुझे YouTube पे वीडियो बनाना बहुत अच्छा लगता है, और इसलिए मैं आगे भी बनाता रहूँगा। ओके, तो देखते हैं। और बता रहा था कस्टम मोड के बारे में, तो देखो कस्टम मोड में इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया हूँ पिछले तरफ से कि मतलब पूरे के पूरे लेफ्ट साइड में 4-5 बटन आ गए हैं, और राइट साइड का भी जो क्राउच वाला बटन होता है जो बैठ के बैठने वाला, उसको भी लेफ्ट में ला रहा था, पर मुझे बहुत परेशानी हुई। और इसमें भी कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन ज़रूर करेंगे, क्योंकि मेरा ग्लूअल बटन पे जो आ रहा है, वो ग्लूअल और ग्रेनेड जो देखो जो सेक्शन है उधर जो 2 लिखा आ रहा है, तो ये वाला मुझे दिक्कत दे रहा है, क्योंकि इस पर क्लिक करो तो साइड को चला जाता है और सारे के सारे एक साथ आ जाते हैं सेंटर में इमोट की तरह। ये वाला चीज़ को मुझे पसंद नहीं, इसलिए इसको अलग करेंगे। और आगे एक परेशानी है कि यार मुझे मतलब जो HP वाले जो लिखा हुआ होता है आलोक और स्पेशल स्किल जो होते हैं, उस वाला चीज़ को थोड़ा सा दिक्कत है। और उस पर राइट थंब से टैप करूँ या ऊपर से टैप करूँ, मेरा राइट थंब उधर कभी याद नहीं रहता, जाता नहीं। ओके, और ये शायद आपको 4 फिंगर की तरह दिख रहा होगा, पर ये 4 फिंगर नहीं है, ये 3 फिंगर वाला ही है, और ऊपर वाला सिर्फ मैं एक बार ही टैप करता हूँ, मतलब जब ज़रूरत पड़ता है तभी, तो उसको हटाऊंगा शायद, पता नहीं। और मेडिकेट का बटन को भी थोड़ा सा सही जगह पे रखेंगे, छोटा हो गया है, और मतलब क्या ही बोलो यार, एक भी किल नहीं मिल रहा है तो क्या फ़ायदा ये वाला कस्टमर को चेंज करके। तो एक दिन में कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि मैं पिछले बार भी एक बार ट्राई किया था कस्टमर चेंज करना, जब जब नया नया IQ Neo 6 लाया, तो गेम प्ले पूरा का पूरा बर्बाद हो चुका था मेरा तभी, और इसीलिए मैं मतलब उस वाले कस्टमर को मतलब प्रीफर नहीं किया। और तभी के टाइम मुझे लगा कि यार चलो यार गेम प्ले ख़राब हो रहा है तो कस्टमर चेंज नहीं करेंगे, पर अगर आपको बता दो एक चीज़, अगर कस्टमर चेंज नहीं करेंगे तो मतलब आगे कैसे बढ़ेंगे, कुछ ना कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ये तो सभी जगह पे अप्लाई होता है, तो कस्टमर चेंज करके थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा। तो मैं तो ज़्यादा मेहनत नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मेरा पढ़ाई भी चल रहा है, सभी चीज़ एक साथ नहीं चल सकते, तो हर दिन एक घंटा गेम खेलूँगा, मेरा कॉलेज चाहे शुरू हो जाए या ख़त्म हो जाए या कुछ भी हो जाए, मैं ट्राई करूँगा हर दिन एक घंटे गेम खेलने को, जब तक मेरा प्रैक्टिस अच्छे से नहीं हो जाता तब तक। ओके, और कुछ भी हो जाए एक घंटे हर दिन खेलेंगे, और उसी एक घंटे में जो भी कुछ रिकॉर्ड होगा, मैं गेम प्ले करूँ या ट्रेनिंग पे जाऊँ या मतलब क्लास क्वार खेलूँ या जो भी खेलूँ या ऐसे ही मतलब बोर्ड की तरह घूमते रहूँ, जो भी होगा उसी एक घंटे के अंदर जो भी रिकॉर्ड होगा 2-3 दिन का, तो उसमें से कुछ पार्ट लेकर मैं वीडियो रिकॉर्ड करके बनाऊँगा। ओके, तो देखते हैं आगे मैं कुछ खेल पाता हूँ या उसी बोर्ड की तरह रहता हूँ, तो आपको पता चलेगा यार जब आप मेरा वीडियो इसके बाद का वीडियो देखोगे। तो इतने पे ही रहता हूँ।